फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक मिला है वो है स्लैब कास्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब जो स्लैब कास्टिंग करते वक्त हमें किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में ये फ्रेंड्स वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड जो हमारे पास प्रैक्टिकल पॉइंट्स होते हैं वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ, और साथ साथ में जिन टेक्निकल पॉइंट्स का भी हमें स्लैब कास्टिंग करवाते वक्त ध्यान रखना होता है वो हो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग के फ्रेशर स्टूडेंट हैं या फिर एक आप साइट पर एक सिविल इंजीनियर हैं, फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आप इसे जो है देखते रहिए। तो सबसे जो पहला हमारे पास पॉइंट आने वाला है वो है प्रैक्टिकल, जो हम बात करेंगे हमें प्रैक्टिकल किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो भी हमारा स्लैब कास्टिंग से रिलेटेड है, स्लैब की कंक्रीटिंग से रिलेटेड है, वो सारी चीजें हैं फ्रेंड्स हमें जो है साइट पर प्रॉपरली होनी चाहिए। वाटर का हो गया, जो मटेरियल हो गया, फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या आता है कि जो शटरिंग हो गई, शटरिंग हमें प्रॉपरली चेक करवा लेनी चाहिए कहीं से उसमें अंडुलेशन तो नहीं है कोई भी, प्रॉपर शटरिंग है कि नहीं है। फिर हमें जो है रीइन्फोर्समेंट चेक करनी चाहिए, रीइन्फोर्समेंट की जो फ्रेंड्स उसमें डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो प्रोवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है कि नहीं। फिर उसके बाद जो है उसमें कवर ब्लॉक चेक करना चाहिए कि कवर ब्लॉक प्रॉपरली है कि नहीं है। फ्रेंड्स अगली जो मेन पॉइंट्स जो आते हैं उसके बाद जो है वो टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं वो क्या है फ्रेंड, चेक इफ द वाइब्रेटर इज इन अ वर्किंग कंडीशन, मतलब आप वाइब्रेटर ले आए, आपका ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर जिसने को भी आपने स्लैब कास्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, आप मान लीजिए आप अपना खुद का घर बनवा रहे हैं या फिर आप एक इंजीनियर हैं साइट पे, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि वाइब्रेटर को भी पहले चेक करना है कि जो है वाइब्रेटर वर्किंग कंडीशन में है भी है या नहीं। मान लीजिए वाइब्रेटर आ गया, जब आप स्लैब कास्टिंग करने लगे, स्लैब कंक्रीट की प्लेसिंग करने लगे, तब वाइब्रेटर जो है वो चलेगा, तो फ्रेंड इसलिए वाइब्रेटर को भी जो है आपने वो पहले चेक कर लेना है। और फ्रेंड यहाँ पे जो मेन चीज है, अगर आपके स्लैब बड़ी है तो आपको जो है वो 2 से 3 वाइब्रेटर रखने हैं, अगर स्लैब फ्रेंड्स 1000 स्क्वेयर फीट तक की है तो आपको 2 वाइब्रेटर रखने हैं, एक वाइब्रेटर फ्रेंड्स जो है वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा और दूसरा वाइब्रेटर जो है उसका बैकअप रहेगा ताकि वो खराब होता है तो हम जो है वो दूसरे वाइब्रेटर को यूज कर सकें, हमें जो है अपनी स्लैब में जो है वो कंक्रीट की कंपैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला है फ्रेंड्स स्लैब का कास्टिंग अभी शुरू होनी है, उससे पहले जो है कंक्रीट उसके ऊपर प्लेस करना है हमने, जो हमारा जो हमने स्लैब जो शटरिंग की हुई है उसके उससे पहले क्या करना है, स्प्रिंकल सम वाटर ओवर द शटरिंग जस्ट बिफोर द प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट। प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट करने से पहले जो थोड़ा बहुत वाटर है उसकी छींटे लगाने हैं हमारी शटरिंग के ऊपर। अगला है फ्रेंड्स क्या है कि वाइल कंक्रीटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल फिल द बीम्स प्रॉपरली, मतलब मान लीजिए हमारे पास स्लैब है, अब स्लैब में हमने कुछ बीम वगैरह भी दिए हुए होते हैं, तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स क्या करना है कि उन बीम्स को फिल कराना है, बीम्स को फिल करा के उनमें जो है अप्लाई वाइब्रेटर प्रॉपरली, वाइब्रेटर अप्लाई कराना है प्रॉपरली स्लैब के ऊपर भी, और वैसे भी जो है प्रॉपरली फ्रेंड्स हमें जो है वो वाइब्रेटर उसके ऊपर अप्लाई करवाना है, क्योंकि बीम जो है हमें फ्रेंड वेकेंट नहीं रहने चाहिए। जो मेन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथ आपको पता ही कि बीम्स पे ज्यादा डिपेंड होती है, अभी रेजिडेंशियल हाउसेस में भी जो है अगर हमारा स्लैब का एरिया ज्यादा है तो उसमें भी हमें बीम्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, इसलिए हमें पहले बीम्स को फिल कराना है प्रॉपरली, उसमें वाइब्रेटर चलवाना है, फिर उसके बाद जो है स्लैब के ऊपर फ्रेंड हमने जो है साथ के साथ ही कंक्रीटिंग करनी शुरू करनी है। अगला है वाइल कंक्रीटिंग ऑफ स्लैब रेगुलरली चेक द कंसील्ड बॉक्स एंड द फैन बॉक्स, दे मस्ट हैव टू बी ऑन द राइट प्लेस, मतलब जब हमने अपनी स्लैब की कंक्रीटिंग करानी है तब फ्रेंड्स उसके ऊपर जो है लेबर वाले आते जाते रहते हैं, जैसा कि आपको पता है कंक्रीटिंग करते वक्त ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ये सब होता ही है। आपने फ्रेंड्स एज अ साइट इंजीनियर वहां पे खड़े हुए आपने यही चेक करते रहना है, ये देखना है कि कोई कंसील्ड बॉक्स कोई फैन बॉक्स अपनी जगह से ना हिले फ्रेंड्स, क्योंकि अगर कंसील्ड बॉक्स फैन बॉक्स अपनी जगह से हिल गए तो जिस तरीके से आपने जो है फ्रेंड्स नीचे डाउन सीलिंग का सोचा हुआ है उस तरीके से जो है वो आप डाउन सीलिंग नहीं करवा सकते, और फैन बॉक्स का तो फ्रेंड्स अगर वो हिल गया तो फ्रेंड्स फैन जो है जिस तरीके से आपने डिवाइड किया हुआ है, मान लीजिए ये 10x10 का रूम है, अब आपने इसको डिवाइड करके यहाँ पे फैन बॉक्स लगाया हुआ है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में कमरे के आपने फैन बॉक्स लगाया हुआ है, अब वो हिल गया, अब वो एक आधा फुट इधर को चले गया या इधर को चले गया, तो फ्रेंड्स वो कंडीशन जो है खराब हो जाती है, उसमें जो है ऊपर से जब हम आप सीलिंग कराते हैं उसकी वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगला है फ्रेंड डोंट अप्लाई वाइब्रेटर टू मच अदरवाइज इन कंक्रीट ब्लीडिंग टू प्लेस, मतलब जब वाइब्रेटर को जो है हमने ज्यादा भी अप्लाई नहीं करना है कि आप वाइब्रेटर के पीछे पड़ जाओ लगातार वाइब्रेटर चलाई जाओ कि वॉइड्स निकल जाएंगे हमारा कंक्रीट की कंपैक्शन अच्छी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं करना है, जितना नेसेसरी है वाइब्रेटर उतना ही चलाना है, बिकॉज फ्रेंड्स उसमें क्या होगा उसके अगर ज्यादा चला देंगे तो ब्लीडिंग आ जाएगी, अब ब्लीडिंग फ्रेंड्स प्रोसेस आपको पता है कि अगर हमने ज्यादा वाइब्रेटर चला दिया तो जो वाटर है हमारा वो पानी जो है
वो कंक्रीट की जो ऊपर की सतह होगी उस पे सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो फ्रेंड जो हमारा कंक्रीट में से जो है वाटर है वो नीचे से निकल के वो सारा ऊपर चला जाएगा, जिससे कि है कंक्रीट में जो है वो ब्लीडिंग टुक प्लेस करेगी। इसलिए वाइब्रेटर उतना ही चलाना है जितना नेसेसरी हो। अगला है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड स्लैब थिकनेस ऑफ जो हमारी स्टैंडर्ड स्लैब थिकनेस है वो 6 इंचज होनी चाहिए। 6 इंचज होनी चाहिए। यू मस्ट हैव टू मेंटेन इट वाइल कंक्रीटिंग। मतलब जब भी हमारी कंक्रीटिंग हो रही हो तो हमें साथ के साथ ये चेक करते रहना है कि जो कंक्रीट प्लेस हमारे वर्कर कर रहे हैं वो 6 इंचज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो मैसन है वो हमारे जो कंक्रीट प्लेसिंग हो रही है उसकी थिकनेस जो है स्लैब की 6 इंचज बन भी रही है कि नहीं बन रही है। ये फ्रेंड्स या तो आपको गॉज ले लेना है, गॉज जो जिससे आप डेप्थ मेजर करते हैं 6 इंचज उसकी देखनी है, या फिर आप देसी जुगाड़ भी कर सकते हैं। आप एक ब्रिक ले सकते हैं, उसको जो है 6 इंचज तोड़ लीजिए, फिर उसको जो है वहां पर प्लेस कर दीजिए। अगर वहां तक हमारी स्लैब आ रही है, वहां 6 इंचज हो गई, फिर उसको ब्रिक को आगे उठाइए, फिर आगे तक प्लेस कर दीजिए। ऐसे फ्रेंड जो है वो फट्टी के साथ जो है जो जिसे प्लेन करता आ रहा होता है हमारा मैसन, उससे जो है वो 6 इंचज मेजर कर लेगा कि 6 इंचज ही ये हमारी है। अगला है फ्रेंड्स फ्री फॉल डिस्टेंस ऑफ अ कंक्रीट इज 0.9 to 1.5 मीटर, नॉट मोर देन दैट। मतलब जब भी हमें कंक्रीट वहां पे प्लेस करवाना है तो उसको जो ऊपर से गिराना है वो फ्रेंड्स 1.5 मीटर से जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 मीटर से कम ही होना चाहिए। तो फ्रेंड ये थी सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल और टेक्निकल जो हमें पॉइंट कंसिडर करने चाहिए स्लैब कास्टिंग के वक्त। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि फ्रेंड इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो जो हम लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।